आए दिन इंडियन स्टूडेंट्स का दूसरे देशों में टारगेट होने की खबरें आती रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सचमुच में इंडियन स्टूडेंट्स को दूसरे देशों में टारगेट किया जा रहा है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही कठिन सवाल है कि इंडियन स्टूडेंट्स को फॉरेन देशों में टारगेट किया जा रहा है या नहीं। इसका हाँ या ना में जवाब देना संभव नहीं है। तो हम बात करते हैं पहले, बहुत ही पहले, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी बातें हैं और कुछ बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये कुछ इंसिडेंट्स सारे लोगों का एक्सपीरियंस नहीं रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि विदेश में बहुत ही सेफली पढ़ाई किए हैं और उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। दूसरी बात देखें तो यह टारगेटिंग देश और देश पर निर्भर कर सकता है। जैसे कि कुछ लोकेशंस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकती है, लेकिन बहुत सारा ऐसा देश है जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वेलकमिंग एस वेल एस सेफ है। और तीसरी बात यह है कि यह कभी क्लियर नहीं हुआ है कि किसी को भी टारगेट उनके स्पेसिफिक नेशनलिटी के लिए किया जा रहा है। टारगेट होने के बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर जैसे कि रेस, रिलीजन, एथनिसिटी या फिर कुछ और बातें। और बात करते हैं कि अगर आप अपनी सेफ्टी को लेकर बहुत ही कंसर्न्ड हैं दूसरे देशों में, तो आप कुछ स्टेप्स अपना सकते हैं। जैसे कि दूसरे देश में जाने से पहले पूरा रिसर्च करें। आप जिस भी देश में इंटरेस्टेड हो उस देश की सेफ्टी रिपोर्ट्स देखें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर कंसर्न है तो उसके बारे में जानकारी लेके तब जाए। और दूसरे स्टूडेंट्स जो उस देश में पढ़ाई कर रहे हैं उनसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का जानकारी ले, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। अपनी एम्बेसी के साथ रजिस्टर करें और उनसे कंसल्ट करें, वो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम में आपको असिस्ट करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। अपने आसपास को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सावधान रहे और साथ में अवगत रहे, जैसे कि वहाँ की स्थानीय रीति रिवाजों का ध्यान रखना और संभावित खतरनाक स्थितियों से बचना शामिल है।